भाग दौड़ और टेंशन से निजात दिलाने और आपको कुछ देर के लिए सही सुकून और मुस्कुराहट भरे पलों का अनुभव देने के लिए हिंदी काउंटडाउन एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है फनी मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 17। कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान ये मोहतरमा प्रतिद्वंदी टीम के पाले में अपना वजन संभाल नहीं पाई और भर भरा कर पके आम की तरह नीचे गिर पड़ी। लेकिन इससे पहले कि पूरी टीम मिलकर इन पर काबू पा पाती, इन्होंने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से ऐसा रिवर्स गियर लगाया कि खुद को आउट होने से बचा लिया। चलिए अब पुरुष कबड्डी पर नजर डालते हैं, जहां ये महानुभाव कुछ देर फुदकने के बाद बड़ी शानदार निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके बैक किक से पॉइंट लेना चाह रहे थे, लेकिन गिर कर टप्पा खा गए और रिवर्स गियर लगाने लायक प्रतिद्वंदी टीम ने इन्हें छोड़ा ही नहीं। स्टेज पर डांस प्रोग्राम के दौरान एक बुजुर्ग ताऊ और दिव्यांग के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई। फिर क्या था, जब दिव्यांग लड़के ने ताऊ को ललकारा, फिर आगे देखी क्या हुआ। खैर एक्ट स्क्रिप्टेड था, लेकिन गांव वाले इसे सही मान बैठे। अक्टूबर 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के मशहूर दरोगा भगवत प्रसाद पांडे जी ने एक हेलमेट पहने मासूम शख्स को पकड़ा, जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट गई। क्यों, आइए देख लेते हैं। उतार लो, नहीं कटेगा, उतार लो। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत है, जोर से बोल। हमने सोचा कि इनमें लगा लें, भैया रोक देंगे आगे। क्यों, तू व्हीलर को न रोक रहे हैं? तुमको ये पता नहीं है कि टू व्हीलर में रोकना, तुम्हारा तो फोर व्हीलर है भाई। इसमें चलान नहीं बनता। कौन बताया कि इसमें ठेले में चलान बन जाएगा? किसने, कौन बोला है कि चलान बन जाएगा? पंडित जी खड़े रहे। हाँ, हाँ। कहीं लगा के जाए नहीं कर, न जाए नहीं होगा। इसके बाद इस मासूम रेडी वाले को विनम्र दरोगा जी ने समझाया कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, बस सड़क पर साइड से चलें। एक नजर इस पापा की परी पर डाल लीजिए, जिसने शायद स्कूटी को बस सेल्फ स्टार्ट करके चलाना सीखा था, लेकिन जब दोस्तों ने उसे स्कूटी को किक से स्टार्ट करने का चैलेंज दिया तो ये हुआ। देखिए कैसे बेचारी किक के बजाय साइड स्टैंड पर किक मार कर इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। जुलूस में यहाँ पुलिस वाला नाचने वालों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ने को बोल रहा था, लेकिन ये महानुभाव तो पुलिस वाले को ही चिढ़ा चिढ़ा के डांस करने लगा। इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। लाइफ में जितनी जरूरत हंसी की है उतनी पैसों की भी, इसलिए फनी वीडियोस और फैक्ट्स तो मैं आपको बताता रहता हूँ। लेकिन एक फैक्ट आप मुझे बताओ, इंडिया बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा? अगर आपके पास ओपिनियन है तो प्रोबो पर दीजिए और साथ में पैसे कमाइए। प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब देकर आप लाखों कमा सकते हैं। यहाँ पर कई तरह की कैटेगरी है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, न्यूज और भी कई सारी। अब वैसे क्रिकेट कैटेगरी में दूसरे टेस्ट में क्या भारत जीतेगा, मेरा ओपिनियन यस है, तो मैंने इस पर इन्वेस्ट भी किया है, और अगर मेरा ओपिनियन सही जाता है तो मैं जीतूंगा रियल कैश, जिसे मैं आराम से गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई या कार्ड की मदद से विड्रॉ कर सकता हूँ। इसके अलावा भी आप मैच के दौरान भी अलग अलग सवाल पर यस या नो में ट्रेड करके इंस्टेंट सेटलमेंट के साथ इंस्टेंट पैसे अर्न कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड करो और 25 रुपए का वेलकम बोनस पाओ। 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देकर लाखों कमाए हैं, तो प्रोबो डाउनलोड करो और प्रॉफिट कमाओ।
अब इन जनाब को देखिए भीख मांग रहा है या कार वालों को पत्थर दिखाकर वसूली कर रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। जरा इस हैवी फुटबॉलर लड़की से मिलिए जिसके आगे 5 डब्बे रखे गए जिन्हें गिराना था, लेकिन मोहतरमा ने कितने गिराए एक बार आप खुद देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। Can we skip to the good part? अक्टूबर 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रिकॉर्ड हुई ये क्लिप भी इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें देखा गया सद्दाम नाम का एक 3 वर्षीय बच्चा अपनी मम्मी की डांट से परेशान होकर पुलिस स्टेशन ही पहुंच गया और इंस्पेक्टर प्रियंका नायक से कंप्लेंट दर्ज करने की जिद करने लगा। काफी जिद के बाद भी जब बच्चा घर लौटने को नहीं माना तो इंस्पेक्टर प्रियंका ने एक नकली कागज पर बच्चे की रिपोर्ट लिखी, जिसमें बच्चे ने क्या क्या लिखवाया एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। और क्या बोले, चोरी करती मम्मी? कैंडी चुरा लेती है। अच्छा, और क्या की मम्मी ने, अम्मी ने चॉकलेट भी चुराई। अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स को तरह तरह के स्टंट ट्रिक लगाकर ग्राहकों को खींचते देखा होगा। उसी प्रकार चीन के वुहान में शेफ गूंथे हुए आटे की रोटी बनाकर ऊपर फेंककर कैच कर रहा था, लेकिन तभी ये उड़ता हुआ एक कस्टमर के चेहरे पर जा चिपका। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी देखने को मिला। हम भारतीय लोगों में क्या है कि 2 पैग अंदर जाते इंग्लिश तड़पती हुई बाहर खुद ब खुद निकलने लगती है। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये 2 टुन सज्जन ठेके पर खड़े खड़े आपस में भिड़ गए और इनके अंदर का अंग्रेज जाग उठा। इसी प्रकार यहाँ तो इंडियन आइडल चलते चलते अचानक से अमेरिकन आइडल में स्विच हो गया। कहते हैं दुनिया में वैसी सारी एक जानवर की जान आज इंसानों ने ले ली है। एक नजर इन पर डालिए जिन्होंने गिरती हुई कार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर छलांग लगा दी। खैर असफल रहे, लेकिन ऊपर वाले ने इनकी मेहनत बेकार नहीं जाने दी। अक्टूबर 2022 के दौरान ब्राजील की सड़कों पर रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कैसे एक शरारती शख्स ने तेज हॉर्न बजाकर बेचारे एक विकलांग भिखारी को झट से ठीक कर दिया। आमतौर पर पार्टनर मुसीबत आने पर अपने महिला पार्टनर की सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित करता है और फिर अपने निकलने का रास्ता खोजता है, लेकिन यहाँ आप एक ऐसे महानुभाव को देखेंगे जो रेस्टोरेंट पर डकैती होते देख अपने पार्टनर को ऐसे छोड़कर भागे मानो उसे जानते नहीं हो। एक नजर इन मोहतरमा पर डालिए जो एक ऐसे प्रैंक की शिकार हुई जिसने बेचारे के पूरे मेकअप की पोल खोल कर रख दी। ये अश्लील बंदर पहले तो शांति से इस गोरी मेम की गोद में बैठा था, लेकिन लगता है अचानक इसकी नीयत डोल गई और महाशया उसकी स्कर्ट में झांकने लगे। इन जनाब ने ट्रक का पंचर हुआ
टायर बदलने के लिए काफी मशक्कत करके जैक लगाया और नट बोल्ट्स खोले, लेकिन तभी बेचारे को पता चला उसने बाकी सब काम तो ठीक किए लेकिन ट्रक को इस पिलर के कुछ ज्यादा ही करीब लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते टायर से पहले निकलने वाली लंबी रोड बाहर ही नहीं निकल पाई। अब सब कुछ वापस बंद करके ट्रक को थोड़ा आगे करो और वापस सेम प्रोसेस दोहराओ। अभी हाल ही में आपने ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई देखी होगी, जिसमें बताया गया कि अफ्रीका के इस व्यक्ति ने औरतों के सम्मान के लिए सेल्फी डाली और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं महिला ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही बस में सफर कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसने दूसरी सेल्फी डाली पर इस बार कुछ भी न लिखा। खैर हकीकत कुछ और है। नवंबर 2018 में मोजाम्बिक में ये बस 65 यात्रियों को लेकर जा रही थी, जब इस शख्स ने शुरुआती सेल्फी ली लेकिन आगे जाकर ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद इस शख्स ने दोबारा सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर इसे महिलाओं का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इस बस का ड्राइवर मर्द ही था। पानी पर झूलते पुल पर अब पीछे से आ रही महिला ने अपने दोस्तों को पुल पर मशक्कत करते हुए डरा पाया तो उसने सोचा चलो इन्हें और डराया जाए और ये पुल पर फुदकने लगी ताकि वो और हिले, जिसका फल ऊपर वाले ने इसे तुरंत दे डाला। एक नजर इस गधे पर डालिए जिसे हर हाल में आजाद होना था, अब चाहे रेलिंग कूदने के बाद जनाब को धड़ाम से गिरना ही क्यों ना पड़े। इन मोहतरमा के उस समय होश उड़ गए जब ये बीच सड़क पर खड़ी होकर अपना टिकटॉक वीडियो शूट कर रही थी और उन्हें किसी कार ड्राइवर या किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक रेम ने आकर किनारे हट जाने की चेतावनी दे डाली। अगर दोस्त कमीने हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है भाई, ऐसा ही कुछ इन जनाब के साथ हुआ। अब अपने दोस्त की पागलपंती बंद करवाने वाले इस दोस्त से उसी दोस्त ने तुरंत बदला ले डाला। हैदराबाद में देखिए सड़क पर अवतार मूवी के फैंस घूम रहे हैं। अगर आपके पास ओपिनियन है तो गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जाकर अपना ओपिनियन मत खराब कीजिए। प्रोबो है ना, प्रोबो को डाउनलोड करो, यस और नो में जवाब देकर लाखों कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो और 25 रूपए का वेलकम बोनस पाओ। उम्मीद है पार्ट 17 देखकर आप जमकर हंसे होंगे। सीरीज को जारी रखने के लिए कॉमेंट्स में